जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा गौरी बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं गौशाला का किया गया निरीक्षण। आज दिनांक 11 सितंबर 2021 को जिलाधिकारी देवरिया श्री आशुतोष निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्र द्वारा थाना गौरी बाजार पर थाना समाधान दिवस के पश्चात गौरी बाजार एवं ग्राम मठिया स्थित गौशाला का निरीक्षण करते हुए वहां पशु की चाराओं की व्यवस्था तथा उनके इलाज हेतु समुचित दवाइयों व साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। गौशाला में साफ सफाई रखने एवं समय समय पर दवाइयों के छिड़काव करते हुए पशुओं की इलाज की व्यवस्था में कोई त्रुटि न होने के संबंध में संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। तदुपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरी बाजार का निरीक्षण करते हुए वहां उपस्थित डॉक्टरों एवं फार्मासिस्ट से चल रहे वायरल बुखार के संबंध में मरीजों के इलाज हेतु व्यवस्था के संबंध में पूछताछ करते हुए रजिस्टर एवं अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए गए। आज औचक रूप से मेरे द्वारा आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मुआयना किया गया, भ्रमण किया गया। मौके पे जो डॉक्टर्स हैं और जो उनके सपोर्ट स्टाफ हैं वो अपना कार्य करते मिले। निरीक्षण के क्रम में हम लोगों ने ओपीडी का भ्रमण किया, जहाँ पे तत्समय तक 39 मरीजों को परामर्श दिया गया था। परीक्षा की गई कि इसमें अधिकांश मरीज किसके आ रहे हैं, तो बताया गया कि इसमें मौसमी बुखार के मरीज अधिकांश आ रहे हैं। एक या दो केस उन्होंने हाई ग्रेड फीवर के बताए, जिनकी डेंगू की जांच तो नहीं हो गई, जिसमें डेंगू नहीं निकला है, लेकिन बाकी जांचों के लिए उनका जो सैंपल है वो भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद ETC का भ्रमण किया गया, जहाँ पर हाई ग्रेड फीवर के मरीजों को भर्ती किया जाता है। उसमें एक मरीज आज भर्ती मिला और उसका उपचार होते दिखा। इसके बाद में जो औषधालय है और जो पैथोलॉजी है, उन दोनों का भ्रमण किया। औषधालय में जितनी भी आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी उपलब्धता फार्मासिस्ट द्वारा बताई गई। पैथोलॉजी में भी जांचें होती दिखी, रजिस्टर के देखा गया तो जांचें हो रही हैं। वैक्सीनेशन का कार्य भी सुचारू रूप से मिला है। जो यहाँ के MYC हैं डॉक्टर BN गिरी, उनका अपने स्टाफ पे और अपनी टीम पे अच्छा नियंत्रण और सुपरविजन है और यहाँ की व्यवस्था ठीक रहेगी।